नमस्कार दोस्तों, आज जैसा हमने कहा था कि हम मनीष सिसोदिया की कुछ पुरानी कहानियों के साथ आप लोगों के साथ रूबरू होंगे, तो आज हम कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं। जैसा हो रहा है अभी देश में, खास तौर पर कल मनीष की गिरफ्तारी हुई, रिमांड में गए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पहुंचना चाहिए निचली अदालतों में। पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले की सुनवाई के लिए स्वीकारोक्ति दी, फिर उसके बाद कह दिया कि आपको निचली अदालतों में जाना चाहिए। दिल्ली में कोई घटना घटती है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम अदालत आ जाए। अब सवाल उठता है कि मनीष का क्या होगा। इस पर बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर रहे हैं और लगातार चर्चा इस पर चलती रहेगी। मैं पुरानी बातों को लेकर के मैं सोचा था कि आप लोगों से कुछ शेयर करता हूँ, कुछ बातें हम लोग आज करते हैं। मनीष की कुछ पुरानी कहानियों को मैं आप लोगों को सुनाता हूँ, बताता हूँ, कोशिश करता हूँ। मैं आज दो घटनाओं का जिक्र करूँगा। दोनों घटनाएं 2013 से पहले की हैं। जैसा कि आप लोगों में से बहुत ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा कि 2013 के बाद हमारी और मनीष की बातचीत नहीं होती है, तो 2013 से पहले की कुछ घटनाएं हैं जिससे आप लोगों को मैं ये कहानी सिर्फ इसलिए सुना रहा हूं जिससे आपको इस बात का अंदाजा लगे, आप लोग खुद फैसला करें कि क्या मनीष बेईमान व्यक्ति हैं या ईमानदार व्यक्ति हैं। क्योंकि प्रश्न तो अब दुनिया में एक ऐसे आंदोलन से निकल करके राजनीतिक पार्टी बना करके सत्ता में पहुंचे हुए लोगों पर है जो सारे लोगों को भ्रष्ट और करप्ट कहते थे। तो दूसरे लोग भ्रष्ट और करप्ट हैं कि नहीं, और ये कितने कट्टर ईमानदार और कट्टर करप्ट हैं, इस पर सवाल आकर के खड़ा हुआ है। तो अब प्रश्न वही उठता है कि आखिर बातें क्या हों और किस तरीके की बातें की जानी चाहिए। तो दो तीन मुख्य बिंदु हैं जिसमें एक समझना होगा कि जो मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कहा है कि आप ये मान के चलिए कि अरविंद केजरीवाल की जो मंशा है, जो इच्छा है, जो परिस्थितियां हैं, जो वो चाहते हैं, उसके खिलाफ मनीष का जाना थोड़ा कठिन होता है और मनीष नहीं जा पाते, क्योंकि मनीष बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समर्पित हैं पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल। तो समर्पण में तो उनके कहीं कोई कमी नहीं है, और समर्पित होने की वजह से वो कुछ जगह पा चुके हैं राजनीति में और पार्टी में, और उसका नुकसान भी अगर उनको हो रहा है तो उसी समर्पण की वजह से हो रहा है। क्योंकि समर्पण एक हद तक तो ठीक होता है, लेकिन जब आप समर्पण में सही और गलत का फर्क भूल जाते हैं, जब विभेद आप नहीं कर पाते हैं कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, तब आपकी समस्याएं बढ़ती हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक बड़ी समस्या इस वजह से भी हो रही है। देखिए, जन लोकपाल से ये आंदोलन शुरू हुआ, और ये जब जन लोकपाल की बात हम करते हैं तो जन लोकपाल से ये आंदोलन शुरू होता है, और सारी परिस्थितियां 2010, 11, 12 की आप लोगों को याद होंगी कि क्या घटनाएं घटी थी। कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो कमेंट्स पर मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं अपनी बात रख देता हूं, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। अगले 5 मिनट में मैं अपनी बात रखूंगा, उसके बाद जो जिन लोगों के कमेंट्स होंगे वो उन पर मैं बात करूँगा। जो लोग भी जुड़ रहे हैं उन सबका शुक्रिया और सबको नमस्ते। चूंकि लाइव हम बातचीत कर रहे हैं, ये वीडियो आपको बाद में इन सारी प्लेटफॉर्म्स पे मिलेंगे जो हमारी अभी बातचीत हो रही है। खैर, देखिए, हम जन लोकपाल को थोड़ा सा आप लोगों को बताते हैं कि जन लोकपाल एक ऐसी घटना थी जिसके बारे में हम लोग ये कहते हैं कि एक ऐसी सोच थी, एक ऐसी कोशिश थी कि जिससे लग रहा था कि देश में करप्शन बिल्कुल खत्म हो जाएगा और हम एक अलग मुल्क में पहुंच जाएंगे, एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां भ्रष्टाचार नहीं होगा। और ये सोच और ये कल्पना के साथ
चीजें आगे बढ़ रही थी। उन दिनों में जिन दिनों ये कहानी हो रही थी और ये सब चीज चल रहा था, मैं उन दिनों के सिर्फ दो घटनाओं का जिक्र आपसे कर लेता। अक्सर मतलब अगर महीने के 30 दिन होते हैं तो तकरीबन 20 दिन सुबह की चाय उन दिनों हम लोग, हम और मनीष, या तो मनीष मेरे घर पे या मैं मनीष के घर पे, ये ऐसा होता था। मैं भी दो कमरे के घर में रहता था, मैं आज भी दो कमरे के घर में रहता हूँ, और मनीष भी दो कमरे के घर में पड़ोस में ही रहते। बहुत मध्यम वर्गीय परिवार, बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ रहने की उनकी आदत थी और छोटा सा परिवार। अक्सर सुबह हम लोग बैठकर भारत के भविष्य, मौजूदा राजनीति, मौजूदा करप्शन पर बहुत बातचीत करते थे। एक दिन क्या हुआ, मैं उनके घर पे बैठा हुआ था और कहीं से ये खबर अरविंद को लगी थी कि कुछ टीवी चैनल के पत्रकार ऐसा कुछ कर रहे हैं कि फोर्ड फाउंडेशन की जो फंडिंग है, वो फंडिंग जो मनीष और अरविंद का जो एनजीओ कबीर था उसको जो अलग अलग समय में दिया गया था, उसको लेकर के कुछ खबर बन रही है और वो खबर शायद इन लोगों के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। मनीष जी पत्रकार थे तो पत्रकारिता छोड़कर उन्होंने एक आरटीआई एक्टिविस्ट के तौर पर उन्होंने काम शुरू किया, अरविंद के साथ काम शुरू किया, और एक परिवर्तन एनजीओ, फिर कबीर एनजीओ, जो इन दोनों एनजीओ के साथ वो जुड़े हुए थे, और ये दोनों मनीष और अरविंद का एनजीओ। तो अब ये खबर अरविंद के पास आई और अरविंद ने मनीष को फोन किया और मनीष को बोला कि देखो ऐसी ऐसी खबर आ रही है और ये एक समस्या हो सकती है कि जिसको लेकर के बहुत सारी बातें। अब चूंकि वो वक्त ऐसा था, आंदोलन रामलीला मैदान का खत्म हो चुका था, आगे की भविष्य की तैयारियां शुरू हो गई थी, अन्ना इस मूड में नहीं थे कि पार्टी बनेगी, अरविंद पार्टी बनाना चाहते थे और पार्टी बनाने की तैयारियां शुरू हो गई थी और इस दिशा में सारे प्रयास शुरू हो रहे थे। तो कुछ लोगों को लगता था कि आंदोलन के बाद ये खत्म, ये सारा खेल खत्म। अब कुछ लोग जो थे उनको ये संभावनाएं भी दिखती थी और उनको भरोसा भी लग रहा था कि शायद ये कुछ बड़ा हो जाएगा। 3-4 लोग ही मुख्य तौर पर वहां उस समय हुआ करते थे। तो अब ये जब खबर आती है तब उसके बाद मैंने महसूस किया कि इससे समस्या में थोड़ा बढ़ गई और ये थोड़ी परेशानी बढ़ गई। मैंने पूछा तो फिर मनीष ने बताया हमें कि ये ऐसी ऐसी बात है और ये बेकार बातें हैं और इसमें ऐसा कोई तथ्य नहीं है, ऐसा कोई सत्य नहीं है, लेकिन अब तो ये खबर आएगी। तो हुआ ये था कि 31 अगस्त 2011 को फोर्ड का एक प्रतिनिधि स्टीवन सोलनिक ने बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कबूल किया था कि फोर्ड फाउंडेशन ने कबीर को दो बार में, दो अलग अलग तरीके से $3,69,000 की फंडिंग की। अब ये एक ऐसी खबर थी कि जिस खबर को दबाने की जरूरत थी, क्योंकि फोर्ड फाउंडेशन को लेकर के सवाल पहले भी बहुत उठते थे और चूंकि ये ऐसे फाउंडेशंस हैं दुनिया भर के जो किसी दूसरे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में घुसपैठ करके वहां की परिस्थितियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो अब ये, और उनके हिसाब से क्या था कि अब जो बात सामने आ रही थी उसमें ये था कि एक संस्था है आवाज, जो जन लोकपाल के लिए फंड अवेलेबल करा रही थी, और इसी आवाज ने बाद में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी बहुत बड़ा फंड दिया था 2013 में आम आदमी पार्टी को। अब देखिए, अब आवाज जैसी जो संस्था है वो क्या करती है, वो सीरिया में, इजिप्ट में, लीबिया में, इन सब देशों में वो पहले भी सरकारों को अस्थिर करने के लिए फंड कर चुकी है, अब वो इंडिया में भी कर रही है। उस वक्त भी ये फाउंडेशंस इस तरीके के लोगों को फंड कर रही थी, तो इसलिए ये समस्या अरविंद को लग रही थी कि अगर ये पहले ही ये बात सामने आ जाएगी तो ये समस्या हो जाएगी। ये हो सकता है कि बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में होंगी और आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम भी होगी,
जिन लोगों को नहीं मालूम हो उन्होंने उन लोगों के लिए मैं बताऊं कि मेरी जो 2017 की किताब है रामलीला मैदान वो पढ़ेंगे तो उसमें मैंने इसका थोड़ा और डिटेल में जिक्र किया है, तो उसमें वो किताब हमें आपको मिल सकता है। और 2017 में उसका हिंदी वर्जन छपा था, 2022 में उसका इंग्लिश वर्जन भी आया है, तो आप वो किताब गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा और किताब आप देख सकते हैं। अब इसमें ये था कि स्टीवन सॉलनिक ये कह रहे थे कि कबीर फाउंडेशन को 2005 में $172,000 और 2008 में $197,000 का फंड दिया। इतना ही नहीं, कबीर को डच एम्बेसी ने भी मोटी रकम दी थी। अब ये सब जो चीजें थी वो अचानक से अरविंद की समस्या बढ़ा रही थी और मैंने महसूस किया कि मनीष उससे परेशान हो रहे थे। देखिए, बाद में लोगों ने सफाई भी दी, बाद में लोगों ने कहा कि वो सारे पैसे हम लोगों ने लिए थे और हम यहाँ खर्च हो गए। सवाल ये नहीं है कि जो पैसे आए उन्होंने कहाँ खर्च किए, और ये सब चीजें तो जांच का विषय हो सकती है। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न ये है कि मैंने ये देखा कि जो खबर, जो इंफॉर्मेशन फोर्ड फाउंडेशन की वेबसाइट पर थी, उस इंफॉर्मेशन को मनीष और उनके लोगों ने फोन करके अगले दिन वहां से हटवा दिया। यानी कि इन संस्था के साथ इनकी साठगांठ ऐसी थी कि वो एक अलग तरीके की परिस्थितियां थी, जहां इस इंफॉर्मेशन से इनको समस्या हो रही थी, तो वो जो पैसा दे रहा है वो बताने से दुनिया को अब गुरेज कर रहा है। अब देखिए, तो मुझे थोड़ा लगा कि चलो ठीक है, इन्होंने जानकारियां दे दी हैं, ये कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में आकर कि सारी सब लोगों को पैसा किसके पास है, कहाँ खर्च किया है, तो ठीक है, ये बातें हो सकती हैं। हालांकि अगर आप बाकी परिस्थितियों को देखेंगे तो उसके बाद से मैं थोड़ा थोड़ा इन बातों को लेकर के, इन चीज़ों को लेकर के सशंकित होने लगा था और मेरी अपनी एक सोच थोड़ी अलग दिशा में बनने लगी थी। मैंने सिर्फ घटना का जिक्र किया, क्या सच है ये जांच एजेंसियां तय करेंगी, ये जांच एजेंसियां जांच में निकालेंगी, लेकिन ये घटना हमने बताई कि ये 2013 के पहले की घटना है और ये ऐसा हुआ था। बाद में पैनियर अखबार ने भी उसको छापा, बाद में बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन आए, डच एम्बेसी से 13 लाख यूरो के इंफॉर्मेशन आए कि ये फंडिंग, और उस समय ये बड़ी फंडिंग हो जाती थी, आज की तारीख में इन पार्टियों के लिए छोटी फंडिंग हो सकती है, लेकिन उस वक्त एक एनजीओ के लिए बड़ी फंडिंग है कि वो फंड कहाँ खर्च हो रहा है। और मैं इन फंडिंग का जिक्र सिर्फ इसलिए किया कि जो सवाल उठ रहा है शराब की नीतियों को लेकर के दिल्ली सरकार की, और उस नीति को वापस लेना या उस नीति के सहारे कुछ लोगों के पैसे माफ कर देना, या फिर कुछ वैसे लोगों के जिनके पैसे फॉरफिट हो जाने चाहिए थे, कि कोई आदमी टेंडर भरा, टेंडर में उसका नाम आया, वो पीछे हट रहा है तो उसके पैसे जब्त हो जाने चाहिए, उसके पैसे जो लौटा दिए गए, इन सारी घटनाओं में जो 150 करोड़ रुपए या 200 करोड़ रुपए के आसपास की जो स्पष्ट जो दिखता है घोटाला या जो कमी जो दिखती है, वो एक समस्या है। और जिस तरीके से गोवा के चुनाव और पंजाब के चुनाव आम आदमी पार्टी ने लड़ा, वो पैसा जो आया वो जाहिर सी बात है कि फंडिंग कहीं ना कहीं से हुई, और पंजाब की आज की क्या स्थिति है वो आप देख रहे हैं। शराब आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या है, इसलिए कि शराब की नीतियों की वजह से दिल्ली में परेशानी है और एक शराबी की वजह से पंजाब में परेशानी है, मैं स्पष्ट तौर पर यह कहता हूं। तो ये दोनों समस्याएं आम आदमी पार्टी के लिए गंभीर होने वाली है, और ये आम आदमी पार्टी महात्मा गांधी के नाम पर बार बार उनका नाम लेकर अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश करती है, भगत सिंह का नाम लेकर के अपने आप को शहीद बनाने की कोशिश करती है, और उन लोगों के शराब के बारे में क्या विचार थे आप सब लोग को मालूम होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि एक तो मैंने बता दिया आपको कि ये परिस्थितियां थी जब ये लोग, पैसा कहाँ से आता था और किस तरीके की फंडिंग होती थी, और ये चुनाव, मैं ये नहीं कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या दूसरी राजनीतिक पार्टियां ईमानदारी से चुनाव लड़ती हैं, बिल्कुल नहीं लड़ती,
इस देश में कोई राजनीतिक दल ईमानदारी के पैसे से चुनाव नहीं लड़ता। जो पैसा चुनाव आयोग तय करता है कि इस पैसे में चुनाव लड़ना है, उसमें जो लोकसभा के चुनाव के लिए जो तय होता है कि इतने में चुनाव लड़ना है, उतने में तो गांव के प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता। ये परिस्थिति है इस देश की, उस पर मैं किसी और दिन विस्तार से बात करूंगा। लेकिन ये है कि अगर पैसा ये खर्च हो रहा है तो ये चाहे जनता का पैसा हो या कहीं से फंड आता हो या परेशानियां हो, तो अब कट्टर ईमानदार वाली जो परिस्थिति है उस पर सवाल थोड़े से खड़े होते हैं। जितना दिन मनीष का हमारा साथ रहा है उसमें हमको कहीं भी इस ऐसा नहीं लगा कि मनीष बेईमान व्यक्ति है, ऐसा उनकी बातों से नहीं लगता है। लेकिन जो परिस्थितियां बनती हैं ये जरूर होता है कि उनके सहारे एक दूसरा व्यक्ति बेईमानी कर रहा है, ये तो तय है और ये दिखता है और ये मैंने कई बार देखा है। एक और घटना का जिक्र मैं कर देता हूं ताकि उनकी राजनीतिक परिस्थिति और राजनीतिक समझ का भी आपको एक अंदाजा हो जाएगा। बिहार में उन दिनों 2011 की बात है, बिहार में एक संगठन, बिहार के सारे गांव प्रधान, वहां गांव प्रधान को बिहार में मुखिया कहते हैं, सारे मुखिया और सरपंच का एक सम्मेलन हो रहा था और कुछ लोग थे जो लोग मुझे भी जानते थे और मनीष को भी जानते थे। उन लोगों ने पटना श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में वो कार्यक्रम किया था, तकरीबन 4,000 लोगों का एक जमावड़ा था, 4-5,000 लोगों का। तो तय हुआ कि हम लोग उस कार्यक्रम में शरीक होते हैं। मैं अपने घर से निकला, सुबह की फ्लाइट थी तो मैं अपने घर से मनीष के घर गया, मनीष को वहां से पिक किया, एयरपोर्ट पहुंचे, पटना गए, पटना में फिर हमने गाड़ी का इंतजाम किया था और फिर हम लोग उस कार्यक्रम में शरीक हुए। रास्ते में मैंने कुछ बातें, चूंकि उस वक्त तक मैं मीडिया में अपनी मौजूदा नौकरी, जो जब तब तक मैं किसी चैनल का सीईओ था, मैं उस नौकरी को छोड़ करके मैं एक तरीके से फुल टाइम मूवमेंट में आ चुका था, तो मैंने रास्ते में बहुत सारी बातें बताई और मैंने कहा कि देखिए, आम आदमी को इस वीआईपी कल्चर से बड़ी तकलीफ होती है। और मनीष को हमने कहा कि आम आदमी वीआईपी कल्चर से परेशान होता है, तो जिस दिन जब कभी भी आपकी सरकार बने और कभी भी ऐसा मौका आए, क्योंकि हर कोई सोचता तो था ही, तो करना क्या कि इंडिया गेट पे गाड़ियों की लंबी कतार लगाना, सारी वीआईपी गाड़ियों की, सबकी लाल बत्तियां उतार के नीचे रखना और उस पर बुलडोजर चलवा देना। तो एक और मीडिया को तमाशा मिलेगा, चूंकि मीडिया को तो तमाशा चाहिए, मीडिया को तो तमाशा, अगर विजुअल्स अच्छे मिलेंगे तो वो बातें थेंगी। अब ये घटना, ये जिक्र हुआ और ये जिक्र हम लोग पहले भी कई बार कर चुके थे, जिस बातचीत में कुमार विश्वास भी शामिल रहते थे, उनके घर पे ये बातें होती थी। तो अब आकर के उस मंच पर, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल के मंच पर, यही बात मनीष ने कह दी कि हम ऐसा सोचते हैं और हम इस तरीके की राजनीति, मनीष को लोगों ने हूट कर दिया और बहुत परेशान कर दिया, मतलब उनकी एक बात सुनने को लोग तैयार नहीं। फिर किसी भी तरीके से मंच संभाला गया, फिर उनको वहां से लेकर के, मैं उस समय एक टीवी चैनल चलता था तो वहां पर मैं लेकर के चला गया, फिर हम लोग लौटे। रास्ते भर मनीष परेशान रहे और मनीष ने कहा कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि बिहार के लोग ऐसा क्यों करते हैं। मैंने कहा कि देखो, वो सारे गाँव के प्रधान, मतलब मुखिया लोग हैं और वो उनके जीवन का सपना ही है लाल बत्ती, उनको एक लाल बत्ती गाड़ी मिल जाए, चूंकि वो अधिकारी बन करके लाल बत्ती गाड़ी में नहीं बैठ सकते, तो उनके जीवन का सपना, उनका एम्बिशन वही है, ख्वाब उनके वही है और आप उसी पे तुषारापात कर रहे हो, उसी को तोड़ रहे हो, तो वो आपको तो हुट करेंगे, चूंकि उनके, आपने उनकी पूरी सोच को खराब करने की कोशिश की। अब परिस्थिति ये है कि अब मैं जो वो बात कर रहा था, तो अब देखिए परिस्थितियां क्या है कि जिस तरीके से सोसाइटी, जिस तरीके से समाज परिस्थितियों को लेता है, जो मौजूदा दौर, उस समय का जो दौर था और आज की जो परिस्थितियां हैं, मैंने सिर्फ घटनाओं का जिक्र इसलिए किया कि आप लोगों को ये सहूलियत हो, आप लोगों को ये समझने में सुविधा हो कि आखिर क्या हकीकत है
क्या फैक्ट्स हो सकते हैं। अदालतें हैं देश में, जांच एजेंसियां हैं जो तय करेंगी, और वो अदालतें फैसला सुनाएंगी सच क्या है गलत क्या है। तो इसलिए मैं ये अभी कहने की स्थिति में तो बिल्कुल नहीं हूँ कि कौन भ्रष्ट है और कौन भ्रष्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको दो घटनाओं का जिक्र कर दिया जिससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह की राजनीति ये लोग कर रहे थे और उसके बाद आज परिस्थिति क्या है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मनीष की पूरी राजनीति में अरविंद केजरीवाल बहुत हावी रहे हैं, यानी अरविंद के बिना मनीष का कोई भी प्रारूप नहीं तय हो पाता है, कुछ भी उनकी चीज़ें नहीं तय हो पाती हैं, नहीं बन पाती हैं, तो उसका नुकसान शायद मनीष को हो रहा होगा। कुछ और लोग हैं राजनीति में, उनकी पार्टी में, उन लोगों के बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं। अगर आप लोगों को आज की बातचीत अच्छी लगी तो दो दो कहानियां करके देखिए, मनीष या कुमार विश्वास या अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह या जो भी उस समय की कोटरी के लोग हैं, उन लोगों के साथ सैकड़ों कहानियां होंगी हमारी, और जो उसमें से कुछ पब्लिक डोमेन में होंगी, कुछ लोगों को मालूम होंगी, कुछ मित्रों को मालूम होंगी, कुछ ऐसी भी कहानियां होंगी जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। कई बार सोचता हूं कि मैं बताऊं, कई बार सोचता हूं कि छोड़ो क्या कहना, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि उन कहानियों का जिक्र होना चाहिए तो आप बताइएगा, तो फिर कभी कुछ और कहानियों को लेकर के हम हाजिर होंगे। आज हम इन दो बातों को लेकर के आए थे। अब कुछ सवाल हैं आप लोगों के जो मैं बता देता हूँ। एक प्रश्न है कि क्या दिल्ली लिकर पॉलिसी में भ्रष्टाचार की जांच की आग कट्टर ईमानदार अरविंद केजरीवाल तक भी पहुंच। देखिए, अब इसमें एक प्रश्न है और ये सबके मन में है, लेकिन दिखता ये है कि ये इकलौते मुख्यमंत्री हैं जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, कहीं सिग्नेचर नहीं है, लेकिन ऐसा ये नहीं हो सकता कि अगर वो उनके फैसले उनके कार्यकाल में हुए होंगे तो उन पे आँच नहीं आएगी। आँच तो आएगी। अभी समस्या ये है कि जहां 33 मंत्रालय हैं अब पूरे दिल्ली सरकार में, उसमें से 18 मंत्रालय 33 जो विभाग हैं, मंत्रालय नहीं, तो 33 विभाग हैं अलग अलग दिल्ली सरकार में, उसमें से 18 विभाग तो अकेले मनीष के पास थे। तो अब वो 18 विभाग किसी न किसी को तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि मनीष अगर लंबे समय तक अगर जेल में रहते हैं, जैसा कि मनीष और उनकी टीम को भी ये संभावना है कि 8-10 महीने हो सकते हैं, तो वो तय होगा। फिर पंजाब में एक ऐसी सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनी है कि पंजाब का जो की सरकार का जो मुखिया है, उसने जो पंजाब की दुर्गति करानी शुरू कर दी है, उसको लेकर के भी चिंता है। तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी समस्या ये भी हो सकती है। तो आधा ध्यान पंजाब पे भी अरविंद केजरीवाल का रहेगा, और अरविंद केजरीवाल इसलिए अपने आप को फ्री रखते थे कि, और मनीष पर सारी जिम्मेदारियां थी कि वो बाकी राज्यों में अपने को एक्सप्लोर कर सके। उस पर अभी लगाम लगेगी, उस पर रोक लगेगी, क्योंकि मनीष अंदर है तो अंदर से बहुत सारी चीजें हो नहीं पाएंगी और अकेले अरविंद कर नहीं पाएंगे। तो अब उनको मनीष के जैसा भरोसे का आदमी तो मिलना भी थोड़ा कठिन है। एक व्यक्ति है जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर कि कहीं ना कहीं मनीष के इस पूरे समस्या के जड़ में, समस्या की जड़ में वो भी हो सकते हैं, तो वहाँ भी थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत होगी अरविंद केजरीवाल को। तो समस्याएं तो उनके लिए आएंगी। और एक प्रश्न हमेशा मन में ये आ रहा है सब लोगों के मन में और हमारे मन में भी ये आता है कि बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने ज़्यादाती तो नहीं कर दी, और हर विपक्षी पार्टियों के लोगों को जो बार बार दबाने की उनकी कोशिश है, उसमें उसका तो यह प्रयास नहीं। तो उसमें मैं ये बात जरूर कहूंगा कि किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ऐसा फैसला तो कतई नहीं करेंगे जो उन पर बाउंस बैक करे, वो भी चुनाव से ठीक पहले। एक साल के बाद चुनाव होना है लोकसभा का, तो उससे ठीक पहले ऐसी परिस्थिति तो वो नहीं पैदा करेंगे कि उन पर बिल्कुल बाउंस बैक कर जाए कि
कुछ भी नहीं हो और सीबीआई से वो अरेस्ट करा दे। देखिए, सीबीआई या ऐसी संस्थाएं हमेशा से सरकार का तोता ही रही है। पहले की सरकारों में भी ऐसा ही होता रहा है, इस सरकार में भी होगा। बावजूद इसके ये संस्थाएं काम तो करती हैं, इनकी जांच होती है, इसमें परिस्थितियों में लोगों को समझ में आता है, लोगों को भरोसा होता है, कोई घटना घटती है लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो ये परिस्थिति ऐसी है कि आप इसको बिल्कुल इस तरीके से नहीं कह सकते कि यहाँ कुछ नहीं होगा। कुछ होगा, अब क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन कुछ तो रहा होगा, तभी इतना बड़ा फैसला केंद्र की सरकार ने लिया है। और कुछ कुछ प्रश्न हैं। एक सवाल है कि सर, क्या आपको लगता है कि इस प्रकरण से आम आदमी पार्टी को राजनीतिक लाभ होगा? बिल्कुल नहीं होगा। राजनीतिक लाभ तो मिलने की संभावना नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि राजनीतिक लाभ तब हो सकता था जब आज सुप्रीम अदालत उनको कहती कि हाँ जी, आपको हमने बेल दे दिया और आनन फानन में सारी जांच हो जाती और बिल्कुल बाइज्जत बरी हो जाते, तो बाउंस बैक करता, जो मैं कह रहा हूँ। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। इसलिए नहीं होगा कि केंद्र की सरकार इतनी बड़ी गलती तो नहीं करेगी। तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो समस्याएं बढ़ेंगी। सवाल और भी कई सारे हैं, लेकिन मैं समय की सीमा में ही रहना चाहता हूं। कोशिश हमने की थी कि मैं रहूं 20 मिनट में, लेकिन बीच में कुछ तकनीकी खामी हो गई, तो हम इसको आधे घंटे में समेटते हैं। अगर आपको हमारी चीज़ें अच्छी लगी, पसंद आए, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। नमस्कार।